जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से फोटोसॉफ्ट 7.0 में जो एडोब फोटोसॉफ्ट 7.0 होता है जिसमें हम लोग पोस्टर बनाएंगे, इसमें पूरी प्रोसेस को जानेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आप फोटोशॉप के बारे में बताए हुए जितना भी टूल है सभी के बारे में अगर वो नहीं देखे वीडियो, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें जितना भी टूल्स है सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसा आपको थंबनेल पे दिखाई दिया है पोस्टर, उस प्रकार से किस प्रकार से बनाएंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि यदि आप अपने हिसाब से कैसे उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले फोटोशॉप में आ जाना है। फोटोशॉप में आने के बाद हमको सबसे पहले एक नया पेज ले लेना है या फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के लिए या तो कंट्रोल उसे ओपन कर सकते हैं या फिर फाइल पे आके ओपन कर सकते हैं, या दो बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए, हम डेस्कटॉप पे कुछ फ़ोटो रखे हुए हैं जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर एक ही जो सटा हुआ सब रहेगा तो सीधा हम डायरेक्ट ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो कहीं कहीं से जैसे बीच में अगर इसको हमको छोड़ देना है तो कंट्रोल के साथ हम दावे रहेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद मेरे पास है जितना है जो फोटो है सिलेक्ट किए सभी आ गया। अब हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम पेज लेते हैं। पेज की उनसे साइज कर लेना है, तो पेज आपका पोस्टर जिस साइज का हो, मतलब जहाँ आप लगाना चाहते हैं उसका साइज जो हो वो साइज आपको लेना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे YouTube का जो थंबनेल साइज होता है वही लेते हैं, ठीक है। आप इसके माध्यम से आप YouTube का थंबनेल के भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है, कंट्रोल को दाबे रहना है, उसके बाद एन प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ इंच में नहीं, हमको पिक्सल में लेना है। क्या चीज़ में लेना है, पिक्सल में लेना है, यहाँ भी पिक्सल में लेना है। और देखिए ये जो YouTube का जो साइज है, जो वृत्त बोलते चौड़ाई है इसका 1280, टैब मार के हम चले आए और आ गया है 720, तो हम 720 करके इंटर प्रेस कर दिए। इस प्रकार से है जो साइज है जो आ गया है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या है, थंबनेल के लिए या पोस्टर बना सकते हैं या किसी प्रकार के जैसा शेप होता है, शेप के अंदर किस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं और यहाँ शेप पे क्लिक करते हैं। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गोला वाला है, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से हम बड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसको हल्का ऊपर करके इस प्रकार से हम ऐसे कर लिए, ठीक। और आपको करना है ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नीचे हम करना चाहते हैं तो नीचे भी कंट्रोल को दावे रहना है, तब आपको लाना है। देखिए जैसे शादी विवाह का भी जो बनाया जाता है, जो गोला दिल सा रहता है उसमें फ़ोटो रखा जाता है, किस प्रकार से इसमें हम जान जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया, इसके बाद ये पिक्चर है, पिक्चर को हमको इस पर लाना है। वैसे पिक्चर का तो साइज बहुत बड़ा है इसकी अपेक्षा, बट कोई बात नहीं, इस पर लिया है। लाया कैसे, मूव टूल पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पर आप दाबे रहिए लेफ्ट क्लिक और उसके बाद खींच के इस पर ले आए। अब देखिए इसको छोटा करना है, ये बहुत बड़ा है, तो हमको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप शिफ्ट के साथ अगर इसको छोटा कीजिएगा तो क्या होगा, रेशियो में छोटा होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों छोटा होगा, तो हम कर लेते हैं। वैसे आपको यहाँ से यदि नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट इसका जो है ना, जो पिक्चर का साइज है, जो पिक्चर के साइज लेके आप डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल इसी से कर लेते हैं, इसको हम छोटा इस प्रकार से कर लिए। अब करने के बाद इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको और हमको छोटा कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसमें हमको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट जी। अब देखिए कंट्रोल अल्ट जी प्रेस की किस प्रकार से जो शेप है शेप के अंदर चला गया, ठीक है, जो शेप है शेप के अंदर है ये चला गया। और इसके बाद ये शेप के चारों साइड से हम चाहते हैं स्ट्रोक लगाना, तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से ये है ये सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से एडो सिलेक्ट पे नहीं रहेगा, अब जिस पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, तो इस पे आ गया। और यहाँ से ये एफ जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे आ जाएंगे। स्ट्रोक पे आने के बाद इसका साइज है जो हम 6 कर देंगे, 3 है तो 6 कर देंगे, थोड़ा मोटा रहेगा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हमको एक और यहाँ से कोई देना है दूसरा, इसके लिए एक और हम क्या करेंगे, एक शेप ले लेंगे इस प्रकार से। चलिए यहाँ से हम शेप ले लिए, ये तो शेप हो गया। अब ये शेप के अंदर भी एक, इसको जैसे इसका काम हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं।
और इसके बाद कौन सा पिक्चर ला, यही पिक्चर ले आते हैं। चलिए ये पिक्चर ले आते हैं। ये पिक्चर लाने के लिए मूव टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ले आएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा है, इसको हमको छोटा करना है, तो पहले कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर देंगे और उसके बाद इसको छोटा कर लेंगे। देखिए आप मूव टूल पे क्लिक रहेगा और उसी से आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। इसको और छोटा कर देते हैं, इस प्रकार से छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद इसको आप इस प्रकार से अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। चलिए हम फिलहाल ऐसे देख लेते हैं हम, और इसको हल्का ऐसे हम पकड़ के नमाज। अब इसको कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट जी। ये फोटो है के अंदर है जो शिफ्ट हो गया, ये है जो इस प्रकार से फोटो के अंदर है जो ये शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट होने के बाद इसमें भी हमको स्ट्रोक लगाना है रेड, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ से ये पिक्चर जो सेप है, सेप पे आएंगे और वही एफ है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ स्ट्रोक पे आके, और इस पर हमको तीन है तो इसको छः कर देंगे। छः करने के बाद इसमें भी क्या करेंगे, स्ट्रोक। बट स्ट्रोक नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम सेप नहीं सिलेक्ट किए थे, फोटो में स्ट्रोक लग चुका है। ठीक है, ये जैसे फ़ोटो में स्ट्रोक लग चुका है, बट हमको इस शेप में लगाना है, तो शेप में लगाने के लिए हमको शेप सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। तो इस प्रकार से इसको पहले पिक्चर को कर दिए, और ये शेप है, शेप पे आ गए। अब एफ पे आते हैं, एफ पे आने के बाद स्ट्रोक पे आते हैं, रेड है ये, छः है, हम छः कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब इसको हम क्लिक कर दिए तो दो हो गया। अब इसके बाद एक और डिजाइन यहाँ पे हमको गोला वाला देना है। ठीक, तो वह कैसे देंगे, मूव टूल पे आएंगे और आने के बाद फिर से इसको शिफ्ट के साथ एकदम गोल करना है, तो शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना होगा पूरा एकदम गोल। अब देखिए ये अंदर है, तो इसको बाहर कैसे लाएंगे, इंटर बटन प्रेस कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट किए, तो क्लोज ब्रैकेट किए तो बाहर आ गया। अब इसमें हम लाना है हमको ये वाला, तो मूव टूल पे करके क्लिक और इसमें हम ले आए। देखिए ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कंट्रोल टी से छोटा कर देते हैं और इस प्रकार से यहाँ से ले आते हैं और यहाँ पे कर दिए। अब कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट, नहीं क्लोज ब्रैकेट से नहीं, इसमें अंदर शिफ्ट करना है, कंट्रोल अल्ट जी बटन को प्रेस करेंगे। अब ये भी है, इसमें शिफ्ट हो गया, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट हो गया और यहाँ से हम इस प्रकार से इसको हम व्यवस्थित कर दिए, यहाँ से व्यवस्थित कर दिए। अब व्यवस्थित करने के बाद इसको चारों साइड से एक बॉर्डर देना है। ठीक, जैसे रेड इसमें दिए इसमें, तो इसमें भी देना है, नहीं देंगे तो सही नहीं। तो स्ट्रोक पे आएंगे फिर से, स्ट्रोक पे आने के बाद इसका साइज भी 6 ही रहने देते हैं, बट इसमें नहीं लगेगा स्ट्रोक क्योंकि हम शेप पे क्लिक किए ही नहीं। अब शेप पे करते हैं और फिर से स्ट्रोक पे आते हैं, अब इसमें स्ट्रोक लगाते, अब देखिए 6 कर दिए। अब इस प्रकार से स्ट्रोक लग गया। इस प्रकार से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे दिल का फोटो बनाना है तो आप दिल ले लीजिए, ठीक है, शेप में जाके, और शेप में जाके दिल लेने के बाद उसको फिर कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करके और उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए इसके बाद करना है कि यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक, लिखना भी है और यहाँ पे डिजाइन भी बनाना है। चलिए पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं गर्ल्स, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हो गया। अब इसका शेप हमको, ये जो लिखा हुआ फॉन्ट सही नहीं लग रहा है, तो हम इम्पैक्ट, यहाँ एक इम्पैक्ट है जो हमको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इसको कंट्रोल अल्ट ए से ऑल से ले, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम इसको बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार से बड़ा कर लिए, बड़ा करने के बाद इसको व्यवस्थित हमको करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। देखिए कंट्रोल को दाबे रहेंगे और लेफ्ट क्लिक के दाबेंगे तो ये हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज करना है, कलर हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से इसका कलर भी चेंज, अब ऐसा जो लिखा गया है, अब नीचे हमको लिखना है कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं फिर से आते हैं यहाँ से ले लेते हैं, या इसी को हम फिर से कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कैसे करेंगे, मूव टूल पे आ गए, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके नया लेयर में ये है हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, अ परफेक्ट कॉस्मेटिक शॉप, ये दे दिए। और इसका कलर भी हमको चेंज करना है, बाय द वे हमको ब्लैक करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर लिए और इसको छोटा आप जो है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को दाबे रहिए और उसके बाद इसको छोटा कीजिए, तो इस प्रकार से ये छोटा हो जाएगा, इनका चौड़ा करना है तो चौड़ा कर लीजिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें हमको इसके बारे में कुछ लिखना है, दुकान के बारे में कुछ लिखना है, शॉप के बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ लिख देते हैं, आपको यदि लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, न लिखने का मन हो तो न भी लिख सकते। चलिए यहाँ हम ये लिख लिए, ठीक, लिखने के बाद ये अगर फॉर्मेट आपको नहीं सही लग रहा है तो फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा फॉर्मेट सही लगे वैसा कर सकते हैं।
चलिए हम बाय द वे ये फॉर्मेट ले लिए, और ये फॉर्मेट लेने के बाद इसको हम कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस प्रकार से यहाँ से छोटा कर दिए, ऐसे हो गया। अब ये छोटा होने के बाद मूव टूल पे क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक डिजाइन बनाना, तो वो डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ ये है जो एंकर टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेन टूल पे आएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये ज़्यादा ऊपर हो गया, कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस कर देंगे और यहाँ से यहाँ, और इसको थोड़ा ऊपर करके और यहाँ इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए इसके हमको पॉइंट घुमाना है, तो घुमाने के लिए एट एंकर पॉइंट यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं। इसको अगर हल्का नीचे करना है तो नीचे कर देंगे, इसको हल्का ऊपर करना है तो ऊपर कर देते हैं, ऐसे ऊपर कर देते हैं, इसको हम हल्का नीचे कर दिए, इसको भी और हल्का नीचे कर दिए। चलिए आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से आके हम कलर यही कलर ले लेते हैं, सही लगेगा। चलिए ऊपर वाला कलर, तो अल्ट के साथ हम लोग बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ऊपर वाला कलर आ जाएगा। इसमें हमको स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक कैसे लगाएंगे, वही एफ पे आना है, स्ट्रोक पे आना है। स्ट्रोक पे आने के बाद यहाँ से कलर दूसरा कलर के लगाना है, ये कलर अब यहाँ पे सही नहीं लगेगा तो यहाँ से हम दूसरा दे दिए। इसका साइज 7 दे देते हैं, ठीक है, तो हम 7 इस प्रकार से दे दिए। मूव टूल पे क्लिक करके ये एडजस्ट कर दिए। अब इसमें हमको एक और देना है शेप, चलिए एक और शेप दे देते हैं, कंट्रोल के शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको हम कंट्रोल के साथ प्रेस करके यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे करके ले आए यहाँ, ये अंदर इसको बाहर करना है, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ये क्लोज ब्रैकेट से बाहर चलाया। अब इसमें हमको इसको भी हटा देते हैं, फ़ोटो का काम हो गया, ये फ़ोटो भी ले जाना है। और एक और पिक्चर हम रखे हुए थे जो इसके नीचे हो सकता है, ये भी नहीं है, ये है। चलिए मूव टूल पे इसको क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आए। अब लाने के बाद ये फ़ोटो को क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट जी से क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया। अब इसमें हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करके छोटा कर दिए। अब करने के बाद आपको क्या करना है, इसके चारों साइड से स्ट्रोक लगाना है, तो इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, स्ट्रोक पे आ जाते हैं और यहाँ से स्ट्रोक का कलर है जो हम यही चूज कर लेते हैं जो यहाँ से लगाए हुए हैं, इसको थोड़ा इधर करके यहाँ से हम ये कलर पिक कर लिए। यहाँ से इसका 7 है तो इसका भी 7 ले लेंगे ताकि देखने में क्या हो, अच्छा लगे, ठीक। इसको आप ये हटा हुआ आप इसमें सटा भी सकते हैं, जैसे ऐसे करके सटा सकते हैं, बट कलर अलग अलग है तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक फ़ोटो देते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, मूव टूल से इसको हम ये पिक्चर को ले आते हैं। ये सब पिक्चर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको जैसा जैसा पिक्चर, ज़रूरी नहीं कि यही पिक्चर देना है। देखिए इसको कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको हल्का छोटा कर देते हैं, ठीक। यहाँ ये फ़ोटो है जो बाहर है, इसको अंदर करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ये क्लोज ब्रैकेट कंट्रोल और शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट से अंदर जाएगा, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको थोड़ा और हम छोटा कर ले, इस प्रकार से कर ले। अब इसके बाद हमको जो कॉलस जो होता है उसको किस प्रकार से देंगे, तो उसको देने के लिए यहाँ फिर से टेक्स्ट टूल पे आएंगे और यहाँ से लिखेंगे कॉल अस, इस प्रकार से लिख दिया। और लिखने के बाद इसको हम पहले क्या करते, ऊपर ले आते, तो मूव टूल पे क्लिक कर कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट से ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, और इसका कलर वाइट कर देते। ये कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो क्या कर देना है, वाइट कर देना है, वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ऊपर कर दिए कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट, इसको ऐसे कर दे। देखिए ये फॉर्मेट ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आपको रखना है, आप फॉर्मेट इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लगे फॉर्मेट कॉलस यहाँ पे ऊपर नहीं तो नाम लिख सकते हैं ऊपर में, और नीचे यहाँ पे प्रोपराइटर वगैरह जो आपको देना है दे सकते हैं। नाम लिखने के बाद, कॉलस लिखने के बाद अब मोबाइल नंबर जो है हम दे देते हैं, चलिए मोबाइल नंबर दे दिए। और देने के बाद इसको हम इस प्रकार से, इसको नहीं, यहाँ से ये वो वाला कहला चला था भाई, यहाँ ये आ जाओ, चलिए यहाँ पे आ गया, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके इसको छोटा और कर सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ से छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद इसको भी इंटरप्रेस कर दिए। अब देखिए ये एक परफेक्ट है जो पोस्टर बन चुका है। इस प्रकार से आप
पोस्टर बना सकते हैं। ये पोस्टर है जो एक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। हाँ, यदि आप फोटोशॉप के वीडियो अगर पूरा ट्यूटोरियल नहीं देखे हुए हैं तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है वो वीडियो के जाकर देखिए। हम लोग मिलते हैं वहीं पर।